आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर द्वारा लॉकडाउन के चलते गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण की मुहिम जारी है। प्रतिदिन की तरह आज भी सैकड़ों लोगों के लिए भोजन के वाहनों को मंदिर से रवाना किया गया। इस अवसर पर डीएसपी हेडक्वार्टर करनाल वीरेंद्र सैनी ने विशेष तौर पर शिरकत की। उन्होंने मंदिर द्वारा गरीब लोगों के लिए भोजन और लंगर की व्यवस्था करने का सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि गरीब तथा जरूरतमंदों की मदद करना बेहद पुण्य का कार्य है। करनाल की जनता और सामाजिक संस्थाएं तथा धार्मिक संस्थान जिस तरह से आज संकट के समय में जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। इसलिए संस्था द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सावधानियों से ही कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में विजय संभव है। इससे पूर्व भोजन प्रसाद के वाहनों को आज रवाना करते हुए करुण मूर्ति उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही सच्ची मदद है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के मुताबिक गरीब तथा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मजबूर तथा सीमित साधनों वाले लोगों के लिए सेवा करना पुण्य की श्रेणी में आता है। सेवा के इस मिशन में जो कि एक महीने पहले लॉकडाउन के साथ शुरू हुआ था श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर कुराली रोड इंद्री से आज हमारे मध्य कुछ और विशिष्ट अतिथि पहुंचे हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर से श्री वीरेंद्र सैनी जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। जैसा कि सबको विदित है पुलिस का जो रोल रहा इस कोरोना के अंदर वह मार्वलस रहा, अनमैच्ड रहा, अनपैरेलल रहा। तो पुलिस की इन विशिष्ट सेवाओं के लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ श्री अमित जैन जी जो कि वाइस चेयरमैन है मार्केट कमेटी तरावड़ी से भी हमारे मध्य पहुंचे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा हमारे मैनेजमेंट कमेटी के कुछ मेंबर्स जैसे एसएस जैन सभा करनाल हनुमान गली के प्रधान श्री अशोक जैन जी, श्री सतपाल गोयल जी और श्री अनिल जी, श्री विकास जी, ये सब भी आप लोग देख पा रहे हैं हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं श्री वीरेंद्र सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पहुंचने पर अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करें और किस तरह से हम कोरोना से और अच्छे से लड़ सकते हैं वह हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें, क्योंकि काफ़ी लंबा लॉकडाउन हो चुका है और लोगों के मन में संशय भी है और लोग काफ़ी अपने आप को बेबस भी महसूस कर रहे हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुके हैं इतने लंबे लॉकडाउन से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.